लोग का टी शर्ट का भी लेने के लिए। सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज है संडे और आज हम लोग निकले हैं एक छोटा सा राइड विच इज़ 200 किलोमीटर्स ऑफ राइड। तो हम लोग यहाँ पर एक नया ग्रुप फॉर्म हुआ है विच इज़ बोस फ्रंटालिस। तो अभी हमारे पास है टिल नाउ 7 बुलेट्स, सो दिस बुलेट्स आर लाइंड अप। तो अब थोड़ी देर में एक भाई को हम लोग वेट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का होगा टी शर्ट्स, नया टी शर्ट्स एंड फ्लैग्स वगैरह आया है। तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। तो हमारे चीफ साहब यहाँ पर है। हेलो गाइस, हेलो। फाइनली ये दिन आ गया है हम लोग का, लास्ट संडे के बारिश की वजह से, लेकिन आज हम लोग का मौसम काफ़ी साथ दिया है, साथ साथ बाइक है हमें, इसे कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। सो गाइस, अभी हो रहा है हम लोग का फ्लैग का काम, जो कि फ्लैग ये है जो आप देख सकते हो, ये रहा हमारा लोगो बोस फ्रंटालिस। तो ये रहा, अभी सब गाड़ी में फ्लैग लग रहा है। तो उसके बाद टी शर्ट्स का होगा, उसके बाद वील मूव। सो बने रहेगा व्लॉग पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है। ये है हमारा राजेश भैया, जो कि है जी हमारे पूल भैया यहाँ पर, द एडवाइजर प्लस सेफ। तो यहाँ पर वाइस चीफ देन स्वीपर और आज का स्पॉन्सर साहब यहाँ पर, जिसका चेक बाउंस हो गया है, लेकिन वो तो हम लोग का टी शर्ट का भी लेने के लिए मेरे दोस्त मिस्टर देवेन लिंगी, हमारा ही राइडर है जो आज के दिन में हमारे साथ जाने पर इनको प्रसन्न ना करे, लेकिन अभी भी शुभ बात उसे आराम आराम किया जाएगा। इसी कारण से हम लोग दोस्त की तरफ से तो फर्स्ट सबसे सीनियर मेंबर है हमारा मिस्टर बासन फरूख भैया, उनको एक टी शर्ट। तो हम लोग का टीम एकदम अमर रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा हम लोग का टीम, हमेशा टीम स्पिरिट के साथ। और अभी नेक्स्ट राउंड है हमारा आज के हम लोग का क्या था राइट स्पॉन्सर, none other than Mr. Champalam Tang. Please आ जाइए। तो कुनो भैया और अभी yes. हमारे चीफ एडवाइजर नन अदर देन मिस्टर देवी तरानी, प्लीज देवी सर। ये बड़े भैया क्या लेस खुला हुआ है? क्या लेस अपनी है? लेस खुला हुआ है? तो कुनो भैया अभी हमारे आज का ट्रेजरर है, ट्रेजरर का है, ट्रेजरर ट्रेजरर फटाफट इधर आ जाइए। फोकस किया जाए हमारे ग्रुप के ट्रेजरर मिस्टर राजेश सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मिलेगा मिलेगा राजेश। अब हम लोग दिन आंदे हम लोग का आज का मार्शल जो है हम लोग का ग्रुप का उनके लिए, तो मैं फिर से मेरे दोस्त अरे बिल्कुल देवेन लिंगी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मार्शल को गिफ्ट किया जाए। सो गाइज, वहां से हम लोग निकल गए, अभी जा रहे हैं हम लोग पेट्रोल पंप जो कि फ्यूल अप करना है। तो अभी सब हम लोग यहाँ घुसेंगे, ये है तेजू का मेन पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर फ्यूल अप किया जाएगा। तो भाई लोग, अभी हम लोग है दिगारू चेक पॉइंट पे। ओके, तो यहाँ से तीन रास्ता जाता है आसाम के लिए,
बट हम लोग मिडिल वाले रोड से जाएंगे जो कि है सुनपुरा वाले, तो वी हैव टू गो स्ट्रेट। यहाँ से भी जा सकता आप आसाम, यहाँ से एक रोइंग जाता है एक सुनपुरा जाता है, तो हम लोग ले रहे हैं आज का रूट सुनपुरा। सुनपुरा हो के आपको पता ही है वहाँ पर हम लोग जाएंगे डिगोल दलोंग, जो कि भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है उसे, तो हम लोग वहाँ से निकलेंगे गाइस। तो दिन की बात करूँ तो आज काफ़ी मस्त सा मौसम है, ज़्यादा धूप भी नहीं है और हल्का मतलब ऊपर ना बादलों से ढका हुआ है सन, तो मज़ा है। तो ये ब्रिज का नाम है पाया ब्रिज, तो अब क्योंकि काफ़ी सारे नए नए राइडर्स हैं ना, तो नॉर्मली मैं स्पीड 80 टू 70 में ही चलाता हूँ, लेकिन आज मेरे को 60 टू 50 ऐसा करके चलाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे नए राइडर्स हैं जो कि एक क्यू पे नहीं चल सकते हैं ना, तो इसीलिए उसे मेंटेन करने के लिए। तो हम मेरे पीछे आप देख सकते हो गाइस पुल भैया है, फिर उसके पीछे है चंपा, उसके पीछे है राजेश भैया, उसके पीछे है विकी, देन संजू, देन डेविड भैया, सो वी आर 7 गाइज, 7 पीपल। सो डेविड भैया यहाँ कुछ कहने के लिए मुझे आ रहे हैं, तो डेविड भैया आगे जा रहे हैं, शायद उनको कुछ कहना है। दो वी हैव वॉकी टॉकी विथ अस ऑल्सो, यहाँ पे पुल भैया निकल गए, तो यहाँ पर चंपा, राजेश भैया, संजू, देन विकी, तो हमारे ग्रुप। सो गाइस वी हैव एंटर्ड सुनपुरा, यहाँ से रोइंग भी जा सकता है, यहाँ से तेजू एंड तो यहाँ, तो उस टाइम मैं आगे था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर विकी। तो सो गाइस राइट नाउ वी आर एट सुनपुरा रोड, मेरे आगे पे है विकी, उसके बाद संजू, उसके बाद राजेश भैया, उसके बाद चंपा, उसके बाद पुल भैया और उसके बाद देड़ भैया भी। गेट के इस पार है अरुणाचल एंड गेट के उस पार है असम, तो हम लोग नाउ राइट नाउ वी आर एट असम बॉर्डर, तो असम चालू हो गया है। ये ब्रिज जैसे क्रॉस करोगे आप असम चालू, मीन्स यहाँ से असम चालू हो गया ये। एक बाइक में हवा थोड़ा सा कम है तो उसको अभी हवा डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पर है हवा दुकान, मीन्स मार्केट लगा हुआ है। पूछना पड़ेगा शायद मेरे को। तो ये है सुनपुरा, ये मतलब असम वाले सुनपुरा यहाँ पर, तो इस पे तोरीबारी है, नौगांव है, बहुत कुछ है यहाँ पर, नौगांव भी है।
तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे सीधा टू भूपेन हजारिका सेतु, विच इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज टिल नाउ। तो यहाँ पर लोकल मार्केट लगा हुआ है गाइस, तो अभी हम लोग सीधा एंटर करेंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है ये स्टॉप, जो बोर्ड है ना यहाँ से शुरू हो जाता है धोला सद्या ब्रिज। तो ये ब्रिज है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट वाला ब्रिज गाइस। सो वी हैव एंटर्ड टू धोला सद्या ब्रिज। सो कॉन्ग्रेस टू ऑल द राइडर्स, फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर ग्रुप वी हैव ब्रिज एंटर्ड द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द ग्रुप मेंबर्स दैट आवर 7 राइडर्स हैव डन दिस। सो तो गाइज अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर फोटो सेशन के लिए, थोड़ा सा हमारे क्लब के लिए पेज के लिए। काइंडली फॉलो करिएगा हमारे फेसबुक पेज पे भी, बॉस फोंटालिस। तो देखिए खूबसूरती, नदी का कलर देखो टोटली ग्रीन। ये ब्रिज काफी लंबा है, वहाँ पर एक टापू टाइप का है बीच पे, क्या मस्त सा नज़ारा है। सो तो अब सब यहाँ से निकलने की तैयारी, अब निकलते हैं दिराक के लिए। यहाँ आ ये कहाँ फंस गया यार, आसाम से भी लोग आए हैं। तो चलो भाई लोग निकलते हैं यहाँ से, ऑल सेट टू गो। वहाँ देखो गाइस पूरा बादल काला हो चुका है, वहाँ पर तीन चार जगह माइट बी इवनिंग को बारिश हो सकता है। होप कि बारिश ना हो, तो अगर बारिश हो गया तो पूरा राइड का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तालाब इज 8 किलोमीटर एंड दुमदुमा इज 20 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो ये है NH-15 धोला बाजार। सो गाइज मेरे आगे देख सकते हो आप, तालाब है 8 किलोमीटर्स एंड रुपाई 16.5, तिनसुकिया इज 14 किलोमीटर्स। ये शॉर्ट पड़ता है अगर तेजू से आप आओगे ना। तो ने पीछे से हॉर्न मारा था मेरे को, वैसा लगा मेरे को, लेकिन नहीं आगे चलते जाना अपने को। सो तो अपने को जाना है यहां से दिराक, चले। तो देखो क्या खूबसूरत सा जगह है ये, देखो यहाँ पर नज़ारा देखो गाइस क्या खूबसूरत सा, टोटली खेती ही खेत। ओ आगे बैम्बू झाड़ वगैरह। कोई गांव के रास्ते होके सीधा जा रहे हैं वहां पर, क्या द दिराक।
से ये रोड चल रहे हैं हम लोग। रोड के तो पूरा बैंड बजा हुआ है रोड का। ये देखो यहाँ पे तो पूरा चालू है ऑफ रोडिंग। से अब निकला जाएगा गाइस हम लोग दिराक की ओर। ये अब मिला हम लोग फिर हाईवे यहाँ से, तो लड़के लोग को वेट करते हैं यहाँ पर, उन लोग आ रहे हैं। पुल भैया आ गया है, सब आ गए। चलो भाई फिर तो दबाया जाएगा। अब सो गाइज राइट नाउ वी आर इन आसाम। जैसे ये ब्रिज क्रॉस करेंगे हम लोग, वहाँ पर गेट है, दैट इज दिराक गेट, और उसके पार है अरुणाचल। सो यहाँ से उसके बाद आपको मिलेगा नमसाई, फिर चोखाम, फिर अलवारी, फिर दंगला तेजू। तो अभी यहाँ पर शायद हम लोगों को एंट्री करना पड़ेगा, मन से एक बार बोल देना पड़ेगा कि वी आर फ्रॉम आवर ओन स्टेट। एंट्री करके जाना है बोला है यहाँ पे। हम लोग का स्टॉपेज थोड़ा सा यहीं रहेगा थोड़ा देर के लिए। सो तो गाइस राइट नाउ वी आर एट नमसाई डिस्ट्रिक्ट। दिराक में फ्रेश अप होने के बाद चाय नाश्ता थोड़ा सा मतलब रिफ्रेशमेंट करने के बाद हम लोग निकले हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होगा लठाओ। सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लठाओ। अब यहां से हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तेजू की खाने वाने का सामान जो था हम लोग ऑलरेडी उसे लेके आने के लिए। तो यहां से कुछ ही किलोमीटर है, लाइक यहां से गोल्डन पगोड़ा, इट्स 8 किलोमीटर फ्रॉम गोल्डन पगोड़ा टू तेजू, इट माइट बी लाइक 15 to 18 किलोमीटर्स, मैक्स टू मैक्स 20 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पर सब लड़के लोग लाइन अप होके बैठे हुए। तो पुल भैया कैसा लगा आपको आज का राइड? आज का राइड एकदम बढ़िया है। कौन सा पार्ट में आपको बेहतरीन लगा, कौन सा पार्ट खराब? टमाटर 4 पीस। आपका बोलने से ये जो नमसाई तो अभी तक दिल लठाओ लठाओ तक बढ़िया राइड है। ये दोस्त लोग बोलेगा होगा और बोलेगा। पुल भैया का ये हंसी तो बहुत अच्छा लगता हमको। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर आप डेविड भैया के बारे में पूछेंगे, तो डेड भाई आपको राइड कैसा लगा अभी तक टिल नाउ? बहुत अभी तक तो ठीक था। बीच में हम लोग ऑफ रोडिंग भी हुआ है। वो कौन सी जगह था? वो आपका उसका नीचे धोला तो नहीं 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 वो खूब मिर्चा है जो
हम लोग गाँव का रास्ता है ना। हाँ गाँव रास्ता थोड़ा ऑफ रोडिंग था। कैसा लगा? बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस। सब्जी बोल दिया, भी बोल दिया ना, हम चप्पा को बोल देगा। तो यहाँ पर खाने पीने का सब अरेंजमेंट हो रहा है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने खरीद के रखा था। तो हमारे चीफ साहब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब करने का। लड़के लोग भूख से, त्राहिमाम देखो इनका चेहरा सूख गया है भूख से। अभी तो खिल गया, अभी तो खिल गया। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल सा टी गार्डन है यहाँ पर। तो विक्की भैया जो है अपना फोटो सेशन कर रहे हैं वो खुद ब खुद। कौन कर देगा, खुद ही करना पड़ेगा। एक चीज़ आपको हम लोग के लिए कर देना। अरे कैमरामैन को बोलिए। तो यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुल सा नज़ारा है गाइज, टी गार्डन। तो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं एक बड़े से बुद्ध स्टैचू के वहाँ पर, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था तो वो बन ही रहा था, माइट बी अभी भी कंप्लीट हुआ कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं है। चलिए जाके देखते हैं। फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। अब टाइम हुआ है 3:20। तो अभी हम लोग द सीन इज़ कि लड़के लोग ऊपर चल गए, चढ़े हैं राइट टू क्लिक द सम फोटोज़ एंड वी लाइंड अप आवर बाइक्स, यू कैन सी। तो चलते हैं वहाँ, फोटो सेशन करते हैं। फॉलो करिएगा ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक, सो वी विल फाइंड द फोटोज़ ओवर देयर। So look at the statue. Before I came, it was like, if you go inside, you'll find all the bats over there. Right. So you can see, it's very. So guys, I'll show you something. Right. Be with me, I'll show you something guys. Look at this. This beauty is going to build. So, I'm placing my camera over here and देखो कि कैसे हम लोग framing वगैरह करते हैं, but it's on the time lapse, guys. Right. So guys, now we are leaving from here. तो everyone is getting up ready. So सीधा आप लोगों को मिलते हैं हम डिगारू पे। तो यहाँ पर सब लाइन अप चले, मेरा ही इंतज़ार हो रहा है यहाँ पर। Let's hit the road guys, come on.
हमारे आज के एक राइडर तो डेविड जाए सब चलो चलो लकड़ी लेके अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो पुल भैया इसको डाल लीजिए। चलो निकलते रहो हम लोग आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर आपने देखा कि लकड़ी लेने का ठीक टाइम पर ही जैसे ही किस गाड़ी पे डाले किस गाड़ी के पे डाले वो हो रहा था तो ठीक टाइम पे चंपालू आ गया था ना। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डिगारू। तो आपने लास्ट टाइम देखा ही था वहां पर हम लोगों ने पिकनिक हुआ था वहां पर अपना राइट लास्ट टाइम। तो अभी यहां पर हम लोग यहां पर बनाएंगे बैठने वाला। सो चंपा भैया आ रहा है यहां पर आज का राइडर। बेचारा तबीयत ख़राब हो गया बीच में उसका तो वही था। तो अभी पहुँच गए हम लोग अब सामान वामान निकालेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल देन मिलते हैं अगले से किसी बड़े व्लॉग पे। टिल देन बाय 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 क्योंकि अब रात हो जाएगा व्लॉगिंग नहीं हो पाएगा गाइस यू नो। चलिए फिर मिलते हैं अगले से किसी वीडियो पे। टिल देन बाय बाय राइड सेफ ड्राइव सेफ गाइस।